वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हाफ सिविल इंजीनियर में। आज का हमारा टॉपिक है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। ये जो टेस्ट है इसका यूट्यूब पे मैंने सर्च किया है, कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। मैं सबसे पहले इस पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीमेंट के ऊपर किए जाने वाला टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसमें हमें कौन कौन से एप्रेटस चाहिए। पहला, इसमें हमें एप्रेटस चाहिए ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन, ठीक है, और दूसरा में एपरेटस चाहिए ब्रिकेट मेकर। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रिकेट होता क्या है। ये देखिए, ये जो सीमेंट पेस्ट का बना हुआ होता है, साथ ही जैसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में क्यूब बनाते थे, वैसे ही टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में हम ब्रिकेट बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, ये सांचे से बनाया हुआ है, सीमेंट पेस्ट का बना हुआ है। एक तरह से हम बोल सकते हैं सांचा बना हुआ है, सीमेंट पेस्ट का मोल्ड है। इसकी जो मोटाई है वो 25.4 mm है, और यहां से इसकी विड्थ 44.45 mm। आप बाकी सब डायमेंशन आप देख ही सकते हैं फिगर में, सब mm में है। इसकी हाइट जो है 76.2 mm है। और अब इस ब्रिकेट को हम बनाते कैसे हैं, इस ब्रिकेट को तो हम, इसके मार्केट में बहुत सारे सांचे अवेलेबल होते हैं बनाने के, जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं। इस सांचे से भी हम ब्रिकेट बना सकते हैं, ये जो सांचे हैं इस सांचे से भी हम ब्रिकेट बना सकते हैं, और ये ऊपर वाला, इसे भी हम तीन ब्रिकेट एक साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए ब्रिकेट मेकर, इनको बोलते हैं जिससे हम ब्रिकेट बनाते हैं उनको बोलते हैं ब्रिकेट मेकर। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन की। ठीक है, ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन जिससे हम ब्रिकेट को टेस्ट करते हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो आप फिगर में पहली ये मशीन देख रहे हैं, ये ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन है। इसमें हम क्या करते हैं, इस ब्रिकेट को यहाँ पे, ये जो दो खांचे आप देख रहे हैं, इसमें ब्रिकेट को पसा देते हैं। ठीक है, और फिर फोर्स लगाते हैं जिससे कि ये इसको ऊपर की तरफ खींचता है, और जिस फोर्स पे ये टूट जाता है वो हमारा फेलिंग लोड होता है। फिर उसको हम एक फैक्टर 6.45 से डिवाइड करके हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है, वो मार्केट में बहुत सी ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन अवेलेबल है, जरूरी नहीं एक का ठेका नहीं ले रखा है। ये देखिए, जैसा कि आपने ये ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन देखी, इसके अलावा ये देखिए, ये एक और ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन है, इस पे भी यहाँ पे इस ब्रिकेट को फंसाया जाता है, फिर लोड अप्लाई किया जाता है, और ये जो आपको स्केल दिख रहे हैं इससे अप्लाइड लोड की मात्रा मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा पुराना मॉडल है, अभी मार्केट में लेटेस्ट बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीनें आ चुकी हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे ब्रिकेट को फंसाएंगे और इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे, और इससे लोड अप्लाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन नीचे जाएगा और ये वाला पोर्शन ऊपर आएगा, तो इससे क्या, इसमें टेंशन डेवलप करेगा, ये उस ब्रिकेट को खींचेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो टेंशन अपने आप डेवलप हो जाएगी, और जिस लोड पे वो ब्रिकेट टूट जाएगा वो हमारे पास टेंशन लोड, यानी कि हमारे पास फेलिंग लोड होगा। ठीक है, ये देखिए, ये एक और ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन है। ये देखिए, यहाँ पे हम ब्रिकेट को फंसाएंगे। दरअसल ये कंबाइंड मशीन है, इसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से, यहाँ पे क्यूब रखते हैं और यहाँ पे हम ब्रिकेट फंसाते हैं। ठीक है ना, तो ये होगी हमारे पास ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन, ये ब्रिकेट मेकर हो गया। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सीमेंट पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, एक सीमेंट पेस्ट बनाएंगे 1:3 रेशियो का। जो हम सैंड लेंगे वो स्टैंडर्ड सैंड लेंगे। ठीक है, और इसमें अमाउंट कितना लेंगे वाटर का, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अमाउंट लेंगे P/5 + 2.5 ग्राम। यहाँ पर जो पी परसेंटेज में नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, यानी कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए जितना हमें वाटर लगा परसेंटेज में, यानी कि हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए 4% वाटर लगा टोटल सेंड और सीमेंट के वेट का, तो वो यहाँ पे परसेंटेज में, मतलब कि 4% लगा तो यहाँ पे 4%, 50% लगा तो 50%, जो भी हो ऐसे यहाँ पे परसेंटेज में ये ध्यान रखना। ठीक है, और अब क्या करना है, हमने पेस्ट बना लिया, फिर हमें क्या करना है कि ब्रिकेट मेकर की मदद से हमें ब्रिकेट बनाना है, यानी कि उन सांचों की मदद से, ये जो सांचे दिख रहे हैं इनकी मदद से हमें ब्रिकेट बनाना है सीमेंट पेस्ट का। ठीक है, और जैसे हम क्यूब को पानी में रखते थे 3, 7, 28 दिन के लिए, वैसे भी इनको ही रखना है और टेस्टिंग डे के दिन निकाल लेना है। फिर जब हम टेस्टिंग डे के दिन निकालेंगे, फिर हम इस ब्रिकेट को ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन में इस टाइप से फिट कर देंगे। ये देखिए, ये ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन का जो दो पार्ट्स होते हैं, इसमें इस तरह से इस ब्रिकेट को
फिट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, और जिस फोर्स पे ये फेल्ड हो जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फेलिंग लोड, ठीक है। और फिर हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, फेलिंग लोड अपॉन 6.45, ठीक है, ये एक फैक्टर है 6.45, इससे हम अगर फेलिंग लोड को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ की कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक दिन की टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए मेजर नहीं करते, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए होनी चाहिए 20 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर, इससे कम होगी तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 दिन की टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए होनी चाहिए 20 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर, और अगर इससे कम होगी तो हम उस सीमेंट को अवॉइड करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए होगी 30 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर 3 डेज की। वहीं पर अगर हम 7 डेज की बात करें तो 7 डेज की होगी 25 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो इसके लिए वो हम नहीं मेजर करते हैं, नेग्लिक्टेड करते हैं। वैसे हम चाहे तो मेजर कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा था टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट के ऊपर किए जाने वाला टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसके ऊपर यूट्यूब पे अभी तक तो कोई वीडियो नहीं है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको और ज्यादा से ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग की वीडियो हिंदी में चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।